दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ मैं आपके साथ साझा हुआ हूँ। एक आयुर्वेद की बेहतरीन पोएट्री मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इस पोएट्री को अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ये पोएट्री इतनी जबरदस्त है, हर बीमारी का इलाज इस पोएट्री के अंदर बताया गया है। 2 से 2.5 मिनट की ये पोएट्री है, लेकिन इसको ध्यान से सुनना, समझना बहुत ही इजी तरीके से, बहुत लाइट वे में। मैंने ये पोएट्री सुनी, मेरे को अच्छी लगी कि लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानियां उनको होती हैं, बीमारियों का नाम जिनको दे दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में बीमारियां नहीं होती। छोटे 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 कुछ चेंजेस होते हैं जो हमको करने होते हैं, तो वो चेंजेस उस पोएट्री के अंदर बताए गए हैं। उस पोएट्री को ध्यान से सुनना और समझना और उसके ऊपर अमल करना, आयुर्वेद में यही सब कुछ बताया गया है। अगर उनसे भी सोल्यूशन ना हो, फिर एलिमेंट्स वेलनेस और जो ऑन एंड ऑन के फूड सप्लीमेंट हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समझिए और देखिए आयुर्वेद में कितनी ताकत है, इस पोएट्री से आपको क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। शिफा चाहे अगर खांसी से जल्दी, तो पी ले दूध में थोड़ी सी हल्दी। जिगर में हो अगर गर्मी दही खा, अगर आंतों में खुश्की हो तो घी खा। दमे में ये ग़िज़ा बेशक है अच्छी, खटाई छोड़ खा दरिया की मच्छी। ज़्यादा अगर दिमागी है तेरा काम, तो खा ले शहद के हमराह बादाम। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जो दुखता हो गला नज़ले के मारे, तो कर नमकीन पानी के गरारे। अगर हो दर्द से दांतों के बेकल, तो उंगली से मसोड़ों पर नमकमल। जो ताकत में कमी होती हो महसूस, तो मिस्री की डली मुल्तान की चूस। अगर हो कल्ब की गर्मी का एहसास, मुरब्बा आमला खा और अनानास। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी, तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर जोफे जिगर है खा पपीता। अगर खून कम बने बलगम ज़्यादा, तो खा गाजर चने शलगम ज़्यादा। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अगर महसूस हो मैदे में गिरानी, तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी। थकन से हो अगर अजलात ढीले, तो फौरन दूध गर्मा गर्म पी ले। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जो बदहजमी में तू चाहे इफाखा, तो दो एक वक्त का कर ले तुफाखा।